दोस्तों, अगर आपके सिर में दर्द हो कभी, तो दवाई खाने से पहले आप जो मैं आपको ये तरीका, आइडिया, ट्रिक्स या बहुत ही बढ़िया फार्मूला बताने वाली हूँ, इसको यूज करके इसको आजमा के देख लेना, इसको फॉलो कर लिया। अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा देख लिया और पूरा अच्छे से समझ लिया तो, और आपने ये फिर करके देखा तो मुझे याद करोगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। समझ गए दोस्तों? आप सभी जानते हो कि दवाई खाने से, सिर के दर्द की दवाई खाने से इंसान को बहुत ज्यादा बचना चाहिए। वो इसलिए दोस्तों, सभी कहते हैं कि सिर के दर्द की जो दवाई होती है दोस्तों, वो किडनी, लीवर, ये हर चीज को 90% नुकसान पहुंचा सकती है। समझ गए? इसलिए डॉक्टर भी मना करते हैं कि सिर के दर्द की दवाई बहुत कम खानी चाहिए। समझ गए? तो ठीक है, तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि दवाई खाने से पहले आप मेरा बताया हुआ फार्मूला आजमा के देखना, आप रिजल्ट आपके सामने होगा और मुझे याद करोगे पूरी जिंदगी। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये मेरे बहुत ही बढ़िया डॉक्टर ने बताया हुआ था मुझे। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर में दर्द की प्रॉब्लम रहती थी कोई 10-15 साल पहले से। समझ गए? तो भाई कहाँ तक दवाई खाएंगे, कहाँ तक दवाई खाएं, है ना बंदा? इसलिए क्योंकि इसकी दवाई की मैंने बताई थी इसके साइड इफेक्ट किस कदर के होते हैं सिर के दर्द की दवाई के, है ना? तो मुझे इसलिए डॉक्टर ने ये बताया था कि दवाई भी लिखी थी डॉक्टर ने दोस्तों, पर उसने मुझे ये भी बताया था कि पहले ये करना, उसके बाद अगर ना ठीक हो तब वो करना। जो मैं बता रही हूँ आपको दोस्तों, ये इतना बढ़िया है, इससे 3-4 फायदे आपको होंगे दोस्तों। इस वाले जो तरीका है मैं बता रही हूँ, इस तरीके से आपको 4-5 फायदे हैं। पहला फायदा दोस्तों ये है कि आपका जो ना चाहे, अच्छा दोस्तों, चाहे सिर का दर्द आपका वो किसी भी वजह से हो रहा हो, समझ गए, चाहे वो गैस की वजह से हो रहा हो, चाहे वो आपको पता है ना कि गैस की वजह से भी सिर में दर्द होता है, या टेंशन की वजह से भी होता है, या फिर कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, ज्यादातर ये 4-5 वजह ऐसी है जिससे सिर में दर्द होता है बहुत ज्यादा, है ना? समझ गए? तो दोस्तों चाहे किसी भी वजह से सिर में दर्द हो रहा हो आपके, आप ये वाला जो मैं बताने वाली हूँ इसको आजमाना। ठीक है, तो बाकी के जो फायदे मैं बाद में बताती हूँ, पहले आपको बता दूं दोस्तों कि करना आपने क्या है। ठीक है, आपने दोस्तों इस तरह से बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी दोस्तों, कोई पैसा नहीं लगना, कोई कुछ नहीं, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगनी है। ठीक है, अगर आप खुद कर सकते हो तो खुद भी कर लो, अगर आप किसी दूसरे से कराओगे ना, जैसे आपके सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, तो अगर आप किसी दूसरे से कराओगे ना, कोई भी घर में होते हैं जो भी, किसी से भी आप करा सकते हो। ठीक है, तो आपने करना यह है दोस्तों कि आप लेट जाएं आराम से सोफे पे या बेड पे, ठीक है, और इस ऐसा टॉवल ले ले, ठीक है, ऐसे दो टॉवल ले ले, ऐसे छोटा सा टॉवल है ये, समझ सकते हो ना, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, एकदम से जरा सा छोटे से भी कुछ नहीं होगा, कभी सोचो ना वो हैंकी सा जो होता उससे भी कुछ नहीं होगा, इतना बड़ा सा टॉवल, ऐसा सा टॉवल, ठीक है, समझ गए, ये बहुत ऐसा टॉवल आप सब देख रहे हो ना, ऐसे टॉवल, दो टॉवल ले लें, ठीक है, और पानी गर्म करें दोस्तों, ठीक है, पानी भगोने में गर्म करें, इतना पानी रख लें कि जितना वो ये टॉवल डूब जाए, ठीक है, तो आपने उस गर्म पानी में, ठीक है, इस टॉवल को डुबा के अच्छे से, ठीक है, और क्या कहें फिर, इसको अच्छे से निचोड़ के, टॉवल गर्म होना चाहिए, ठीक है, और उसको आपने दोस्तों अपनी आंखों पे ऐसे रखना है, ठीक है, अपनी आंखों पे गर्म टॉवल को, ठीक है, भीगे हुए गर्म टॉवल को अपनी आंखों पे ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ठीक है, और दोस्तों यानी के आपको टॉवल रखते के साथ ही इतना आराम पड़ेगा, इतना आराम पड़ेगा कि मैं बता नहीं सकती, आप खुद फील करोगे, आप जब खुद करोगे ना दोस्तों, आपको इतना अच्छा लगेगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा सिर के दर्द का, या तो आप साइकेट्री या कुछ भी, बहुत ही बड़ा डॉक्टर था जिसने मुझे ये बताया था ये वाला तरीका, समझ गए, यानी कि दोस्तों आपको खुद इतना अच्छा लगेगा। इसके 4-5 जो फायदे मैं बता रही थी दोस्तों, वो फायदे ये हैं कि एक तो आपके आंखों के जो यहाँ पर स्वेलिंग सी नहीं हो जाती दर्द की वजह से, ये नसे, पता है इसका एक लॉजिक भी आप समझ सकते हो, लॉजिक दोस्तों ये कि जब हमारे सिर में दर्द होता है तो आपको पता है कि यहाँ की जो ये नसे होती है, ये सारी कितनी तन जाती है ना, ये नसे दोस्तों बहुत ज्यादा तन जाती है, इनमें इतना तनाव आ जाता है, तो उसकी वजह से हमारी ये सारा यहाँ पे ऐसा दर्द होगा, खिंचाव होगा, है ना? तो डॉक्टर ने सारा मुझे ऐसे इस तरीके से बताया था कि जब तुम गरम टॉवल रखोगे ना, गरम पानी की इस पे, है ना,
तो आपकी वो नसें सॉफ्ट होंगी, ठीक है, उनका ब्लड सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेट होगा, सारे में चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इससे कितने सारे फायदे हैं, आपकी आंखों की जो स्वेलिंग है वो खत्म होगी, आपकी आंखों की जो आसपास वो बारीक बारीक लाइनें झुर्री होती है ना वो खत्म होंगी, समझ गए, और आपकी आंखें फ्रेश होंगी, आपकी आंखों किसी भी चीज को आप समझ सकते हो ना, कि जब हम किसी बात को किसी चीज को जब सर्दियों में हमें कुछ जरा सी कहीं कोई हीट मिलती है, कहीं दर्द होता है हमारा, हम उसकी सिकाई करते हैं तो हमें कितना आराम मिलता है। तो यहाँ पर तो दोस्तों 100 गुना ज्यादा फायदा है इन चीजों को, जब हमारे सिर में दर्द होता है और माथे में भी जो नसें होती है ना, ये सारी की सारी जो तन जाती है दर्द की वजह से, टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से, या गैस की वजह से, किसी भी वजह से, ठीक है। तो ये जब हम गर्म पानी की टॉवल रखते हैं तो वो सारी नसें सॉफ्ट होती हैं, सारा ब्लड सर्कुलेट होता है हमारा, ठीक है, और धीरे धीरे आपका दर्द जो अगर आपने थोड़ी सी देर सिखवा लो, अगर दूसरा बंदा दे रहा टॉवल को, एक टॉवल को दोस्तों क्या कहते हैं निचोड़ के और रख लो, दूसरी टॉवल उसमें डाल दो, ठीक है, जब वो ठंडी हो जाए उसे ले जाओ उसमें डाल दो, ठीक है, उसे टॉवल को ले जाओ उसमें डाल दो और वो दूसरी जो गर्म है वो रख लो। आपने बिल्कुल भी आंखें बंद करनी है दोस्तों, बिल्कुल आंखें बंद करके आप लेटे रहो आराम से और क्या कहते हैं ये रखे रहो, ठीक है, आपको इतना मजा आएगा, इतना अच्छा लगेगा, और दर्द दोस्तों ये सेकते सेकते दर्द आपका खत्म हो जाएगा। और इसमें कितने सारे मैंने फायदे बता दिए दोस्तों आपको, समझ गए, ये 100% सच्चाई है बिल्कुल। दोस्तों मेरी वीडियो हजारों लाखों रुपए बचाने वाली वीडियो होती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका भी फायदा और मुझे भी अच्छी सी दुआएं मिलेंगी और मुझे भी आप खुश रहोगे, होगे सभी मुझसे, कोई अगर खुश होता दोस्तों, दो चार एक दो जो भी बंदे, ज्यादा से ज्यादा बंदे जितने एक दूसरे से किसी से खुश होते हैं दोस्तों, तो खुशी मिलती है। कहते नहीं है कि दूसरों को खुश करना, दूसरों को अच्छी बातें बताना, दूसरों को फायदा पहुंचाना, तो अगर आप किसी भी इंसान को दोस्तों फायदा पहुंचाते हो ना तो ऊपर वाला खुश होता है इस बात से, और किसी को दुख पहुंचाते हो तो वो दुखी होता है इस बात से। तो ये समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है, इसलिए मैं कह रही हूँ दोस्तों, ठीक है, मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को इसलिए लाइक करें, ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक तो जरूर किया करें, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों वो बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें, ठीक है, ताकि मेरी वीडियो जो भी मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ वो नोटिफिकेशन आपको सबको मिले, और जो आपको जैसे आपको लगे जिसे, तो आप अपने किसी भी अपनों को मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है, तो आपका बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए दोस्तों ये समझ गए ना पूरा का पूरा, जैसे मैंने बताया, ठीक है, ये भी बता दिया कि टॉवलों को कैसे करके आपने वो रिप्लाई करना, ठीक है, और गर्म पानी में कुछ भी नहीं डालना, ठीक है, इसे आप करके देखना, ठीक है, आजमा के देखना, फिर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, समझ गए, रिजल्ट आपके सामने होगा और मुझे याद करोगे और मुझे दुआ दोगे कि हाँ वाकई में इतना बढ़िया मुझे ये तरीका बताया था। तो दोस्तों जब भी अगर आपके उसमें ठीक ना हो दोस्तों, ठीक है, एक तो ये काम बता दिया मैंने, पर हो ही नहीं सकता दोस्तों, गारंटी है हो ही नहीं सकता कि आपके सिर का दर्द ठीक ना हो इस तरीके से जो मैंने बताया आपको, समझ गए, हो ही नहीं सकता कि आपका सिर का दर्द ठीक ना हो, 101% आपका सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। और दोस्तों एक काम और कर लेना इसके साथ साथ, कि इतनी सारी जैसे ही वो दर्द हो रहा हो, यानी कि जब आप लेट रहे हो बेड पे ये करवाने के लिए, ठीक है, तो आपने इतनी सारी अजवाइन, ठीक है, उसमें हल्का सा नमक, हल्का सा नमक ना डाले दोस्तों, क्या पता आपका बीपी से दर्द हो रहा हो, है ना, ठीक है, तो आपने इतनी सारी अजवाइन भर के और किसी भी पानी से जो आपको अच्छा लगता हो उस पानी से वो अजवाइन ले लो, ठीक है, और लेट जाओ और ये करो, ठीक है। अगर गैस से भी दर्द होगा तब भी वो अजवाइन से भी तुम्हारी वो गैस वैस जब कुछ सब कुछ खत्म हो जाएगी, और ये टेंशन से या फिर गुस्से से, टेंशन से या फिर नींद ना आने से दोस्तों, या फिर नींद ना आने से, ठीक है, या फिर किसी भी वजह से आपके सिर में दर्द हो रहा हो, ये 1001% सिर का दर्द गायब, खत्म। तो दोस्तों ये वीडियो लाखों रुपए बचाने वाली है दोस्तों, कई अक्के सिर में ऐसा दर्द होता है कि इंसान पता नहीं क्या कर लेता है सिर में दर्द में, कई बार दूसरों को गाली या बहुत बुरा सा लगता है यार, ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, समझ गए मेरी बात, ठीक है, इस तरह से आपने, ठीक है, ये पूरी की पूरी आंखें ऐसे रखना दोस्तों, भे के निचोड़ के अच्छे से, और गर्म होनी चाहिए टॉवल, अच्छा गर्म, ठीक है, क्योंकि जो बंदा तुम्हें दे रहा है ना, या खुद आप खुद भी कर सकते हो दोस्तों, पर खुद करने में ना आपको इतना मजा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, दूसरा बंदा करेगा ना तो आप आराम से लेटे हुए हो वो कर रहा, तो वो इतना अच्छा गर्म पानी हो ताकि उससे अगर ना निचड़े तो वो कुछ कपड़ा ले, किसी भी चीज की मदद से इसको निचोड़े, ठीक है,
इसकी इसको किसी भी चीज की गरम, अच्छा गरम टॉवल हो, ये नहीं कि भाई थोड़ा बहुत निवाया निवाया दे दिया, नहीं, अच्छा गरम टॉवल, ठीक है, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो उतना गरम टॉवल होना चाहिए, ठीक है। दूसरों से करवाओगे तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा और अच्छा लगेगा, और खुद करोगे तो थोड़ी वही है ना कि आप उतनी देर आप गर्म करके ले रहे हो, आपकी फिर ठंड सी लग रही है, मतलब यहाँ पे फिर, क्योंकि जब दूसरा बंदा दे रहा तो एक टॉवल को आपके यहाँ रख लेगा, दूसरी ले जाएगा, दूसरी रख देगा, ये वाली ले जाएगा, ऐसे करेगा ना, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से करना, इसे करके जरूर देखें, बताएं मुझे, ठीक है। दोस्तों मेरा मकसद बस यही है कि मेरी वजह से भी बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी, ऊपर वाला भी मुझसे खुश होगा और वैसे तो खुश है ऊपर वाला, ठीक है, तभी मैं उसका शुक्र है लाख लाख दफे, तभी मैं आपको ये सारी जो नॉलेज है मेरे पास, ठीक है, वो मैं बता रही हूँ दोस्तों। बतेरी एज हो गई है तो नॉलेज तो हो ही जाती है हर इंसान को, ठीक है। दोस्तों मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वहां भी मैं जो कई सारी चीजें जो यहाँ नहीं डालती वहां पर भी दोस्तों मैं कुछ ऐसे ही म्यूजिक व्यूजिक की ऐसी जो कुछ थोड़ा सा मन को थोड़ा वो कुछ भी थोड़ा ऐसी उसी की आप समझ, आप जाओगे ना देखोगे ना इंस्टाग्राम पे पता लग जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे नहीं डालती कई ऐसी वहां भी डाल देती हूँ, वो भी जो वहां पर डालती हूँ यहाँ भी ऐसे, मतलब होता है, ठीक है, कोई वीडियो तो ऐसी होगी जो वहां डालती हूँ यहाँ ना डालती, ठीक है, ज्यादातर। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो पेज इसी नाम से, ठीक है। दोस्तों जब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मिलती हूँ मैं किसी और वीडियो में आपसे जो बहुत ही बढ़िया आप सभी को फायदे पहुंचाने वाली होगी और आपको सभी को खुशी पहुंचाने वाली होगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।